नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहाँ हरियौध कला केंद्र में ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। बता दें जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया तथा कहा कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक ही स्वास्थ्य की मजबूत कड़ी हैं। यही ग्रामीण इलाके में मरीज को प्राथमिक उपचार देकर हार्ट सेंटर तक पहुँचाने का कार्य करते हैं, तभी बड़े डॉक्टर उनकी जान बचाने में सफल होते हैं। संगठन के प्रदेश सचिव डॉक्टर संतोष शर्मा ने कहा कि जहाँ हम पूरे उत्साह के साथ संगठन का स्थापना दिवस मना रहे हैं, वही इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी एकजुटता और संगठित होने का एहसास विभाग को भी दिखा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में झोला छाप कर अपमानित करने का काम ना करें। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय जयसवारा ने कहा कि हम ग्रामीण चिकित्सकों के हालात को पूछने वाला कोई नहीं था, लेकिन संगठन के बनने के बाद ग्रामीण चिकित्सक भी अब अपने आप को मजबूत समझते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल सरोज ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको 6 महीने की ट्रेनिंग रजिस्टर्ड डॉक्टर कराकर प्राथमिक उपचार करने की आज़ादी मिले। मंच संचालन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने। कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद शर्मा, डॉक्टर अनुराग गुप्ता, संजय तिवारी, साकेत रामजी सोनकर, राधेश्याम यादव, आर बी रंजन, ओ पी सरोज, कृपानंद मलिक, सी बी सरोज, अनिल कुमार, राजू कुमार पप्पू, राजेश मौर्य, डी के प्रजापति, हरिओम सरोज, विनय मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। मैं IPCT हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर का मैनेजर। मैं जो है इस ग्रामीण एसोसिएशन जिसकी आज स्थापना दिवस है, इसमें मैं आमंत्रित हुआ हूँ। मैं इस ग्रामीण एसोसिएशन के जितने भी डॉक्टर हैं, भाई लोग जितने भी हैं, मैं उनको पहली चीज़ है कि बधाई देना चाहता हूं। और हमारे जो है जो हॉस्पिटल है, इस ग्रामीण एसोसिएशन के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जो है ग्रामीण एसोसिएशन के साथ खड़े हैं, और जब भी कोई समस्या होगी तो हम खड़े हैं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार सरोज, प्रदेश उपाध्यक्ष ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज ग्रामीण एसोसिएशन का स्थापना दिवस समारोह, आज ग्रामीण चिकित्सक सामाजिक एसोसिएशन का स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह है, जो कि ग्रामीण चिकित्सकों के सहयोग से यह जो है कि ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि काफी जनसंख्या में लोग एकत्रित भी हुए हैं। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आपको चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के ही सोशल मीडिया और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही सरकारों के पास सभी जानकारी पहुंचती है और आम जनता के पास पहुंचती है। तो ग्रामीण चिकित्सक, जो भी ग्रामीण चिकित्सक ग्रामीण में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वह लोग फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार करते हैं। उन लोगों को जो भी 24 घंटा हुआ, 24 घंटे सेवा देते हैं ग्रामीण चिकित्सक। और वो लोग जो है कि बहुत सस्ते में इलाज भी कर देते हैं, लोग किसी के पास पैसा नहीं रहता तो भी तुरंत इलाज करते हैं। तो इस तरह सरकार से मांग है संगठन की कि कम से कम 6 महीने साल भर की प्रैक्टिस करने के लिए हायर सेंटर पे या स्वास्थ्य केंद्र पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, महिला हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करवाकर सभी चिकित्सकों को रोजगार देने के लिए स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करें, जिससे कि उन लोगों की आजीविका चल सके। क्योंकि यह लोग कोई न उग्रवादी हैं, न कोई चोर है, यह लोग 4 से 5 साल, 8 साल, 10 साल हायर सेंटर पर अपनी ड्यूटी देते हैं और अनुभव लेते हैं। इसके बाद वह लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूरी में, क्योंकि रोजगार, इतना जनसंख्या, सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी, तो इसे अपनी आजीविका चलाने में मजबूरी होती है कि भाई किसी तरह आजीविका चलाई जाए। तो लोग फर्स्ट एड का ट्रीटमेंट करते हैं, न कि वह लोग सर्जरी करते हैं, न कि डिलीवरी करते हैं, बस उन लोगों का काम है प्राथमिक उपचार करना।